नमस्कार। विश्व का कोई भी देश हो, हर देशभक्त की इच्छा होती है कि उसका देश उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, उन्नति करे। किंतु यह होता तब है जब देशवासी मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करें। हमारा प्यारा भारतवर्ष शताब्दियों तक जग सिरमौर रहा। उसे यहाँ के संतों और विचारकों के कारण विश्व गुरु माना गया। लेकिन अनेक वर्षों की गुलामी के दौरान हुई लूटपाट ने भारत को न केवल आर्थिक रूप से दुर्बल कर दिया, वरन आततायियों के अत्याचारों ने सामाजिक ताने बाने को भी जीर्ण शीर्ण कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हर देशभक्त भारतवासी की इच्छा है कि भारत महान ही नहीं, महानतम बने। आज एक बार फिर से भारत आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन मार्ग कंटकाकीर्ण है। रास्ते के कांटे हटाए बिना आगे बढ़ना कठिन है। आइए इस विषय का गहराई से अध्ययन करें और समाधान क्या हो उस पर विचार करें। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, बीज भूमि में बो दिया जाए और उसके चारों ओर मिट्टी हो, जल हो, वायु हो, तो क्या बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष बनता है। वह अपनी वृद्धि के नियम से बढ़ता है, वायु जल और मिट्टी को अपने में पचाकर। हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, दिव्य बन जाना। ईश्वर को प्राप्त करना ही नहीं, उनके दर्शन कर लेना ही नहीं, बल्कि ईश्वर को इस प्रकार प्राप्त करना कि उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना। यही सत्य सनातन हिंदू धर्म है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। व्यक्ति और परमात्मा के संबंध की यह सुस्पष्ट सनातन व्याख्या है। यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाए या जोड़ा जाए, पूर्ण ही रहता है। आत्मा और परमात्मा के एकत्व की घोषणा है उक्त उपनिषदीय कथन। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर को पाना ही है, जब सब में वही ईश्वर विराजमान है, तब क्यों किसी से संघर्ष करना? अगर हमें कोई क्षति भी पहुंचाने का प्रयास करे तो उसका प्रतिकार भी क्यों करना? आखिर ईश्वर ही तो क्षति पहुंचा रहा है और हम भी ईश्वर हैं, हमें क्या क्षति पहुंचेगी? इसे आदर्श तो कहा जा सकता है, किंतु यह व्यावहारिक नहीं है। उस बकरे का विचार कीजिए जिसे बलि वेदी पर शांतिपूर्वक ले जाया जाता है। वह अप्रतिकार की मूर्ति होता है, तनिक सा भी विरोध प्रकट नहीं करता और चुपचाप जाकर कसाई के छुरे के नीचे अपना सर रख देता है। कसाई को उस पर दया नहीं आती, एक क्षण को भी वह यह नहीं सोचता कि ऐसे अहिंसक और बेचारे जीव को क्यों मारा जाए। इसके विपरीत कोई भी व्यक्ति शेर की बलि देने का साहस नहीं कर सकता। अश्वम नैव गजन्नैव व्याघ्रैर्नैव चनैव च अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः। जो दुर्बल होता है उसकी ही बलि जाती है। एक श्रेष्ठ जन ने अहिंसा का महत्व तो बताते हुए कहा, यदि तुम्हें नष्ट करने पर उतारू किसी पाशविक शक्ति से तुम्हारा सामना हो और अहिंसा के नाम पर तुम अपने संरक्षण का प्रयास न करो, तो तुमने एक प्रकार से उस पाशविक शक्ति को हिंसा में प्रवृत्त रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। वह आज तुम्हारे साथ हिंसा कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा, उसका हौसला बढ़ेगा। इस प्रकार तुम उस अपराध के प्रोत्साहनकर्ता बन गए हो। प्रोत्साहक भी अपराध में सहभागी होता है, उतना ही दोषी होता है जितना वास्तविक अपराधी। कोई व्यक्ति अगर डाकुओं से अपना घर लूटने से बचाने में असमर्थ हो और नारा लगाए कि वसुधैव कुटुंबकम, तो लोग उसे ढोंगी और कायर ही कहेंगे। हमारे देश का वायुमंडल इसी प्रकार की भ्रांतियों और सदुक्तियों से भरा हुआ है।
प्रत्येक राष्ट्रीय अपमान को शांति के नाम पर शांति के आवरण से ढक दिया जाता है। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपमान निकल जाता है वह न पुरुष है न स्त्री है। एतावानैव पुरुषो यदमर्षि यदक्षमि क्षमावान निर्मर्षश्च नैव स्त्री न पुनः अपमान। वही पुरुष है जो न सहन करता है और अन्याय को कभी क्षमा नहीं करता। क्षमा करने वाला तथा सहन करने वाला ना तो स्त्री होता है ना पुरुष। हमारा प्रमुख मार्गदर्शक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में धर्मयुद्ध हेतु प्रवृत्त होने का ही पाठ है। धर्मयुद्ध से विमुख होकर पलायन कर रहे अर्जुन को फिर से युद्ध की ओर प्रेरित कर उसे विजयश्री दिलाने वाला यही गीता ज्ञान है। धर्मयुद्ध में प्रवृत्त होने का गीता का पाठ न्याय एवं स्वाधिकार प्राप्त करने के लिए है, ना कि दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए। और अगर इस तरह से विचार करें तो कुरान में जिस जिहाद का वर्णन का सिद्धांत है यह उससे बिल्कुल भिन्न है। वह सिद्धांत बना था अरब साम्राज्य को फैलाने के लिए, इसीलिए उन्होंने दारुल अरब को दारुल इस्लाम बनाने या काफिर को काफिर की संज्ञा देकर गैर मुसलमानों को मारने की हत्या करने की प्रेरणा दी थी। यह 16वीं सदी की मानसिकता थी, उस जमाने की मानसिकता थी जब इस्लाम पैदा ही हुआ था और अरब जो लोग थे वो अपने साम्राज्य को फैलाने की इच्छा रख रहे थे। दुर्भाग्य से आज भी हमारे यहाँ के धर्माचार्यों का सारा बल आत्मा परमात्मा तथा आत्मचिंतन पर ही केंद्रित है। शायद ही वे कभी अपने शिष्यों और श्रोताओं को समाज राष्ट्र के प्रति दायित्व अपने कर्तव्य की शिक्षा देते हो। आज हिंदू भारत को गांडीवधारी योद्धा अर्जुनों की आवश्यकता है। हिंदू बुद्ध जीवियों को अकर्मण्यता छोड़कर कर्मठता की राह पर आना परम आवश्यक है अगर देश की उन्नति चाहते हैं तो। श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानी तिरमतिर मम। जहां योगीराज श्री कृष्ण, वाक्यों पर ध्यान दीजिए, योगेश्वर योगीराज गांडीवधारी अर्जुन, इन दोनों का सम्मिलन जब होगा, योग और शक्ति का जब सम्मिलन होगा तभी कल्याण और विजय संभव है। नीति कहती है कि विजयी होने के लिए सिद्धांत के साथ शक्ति का समन्वय आवश्यक है। गीता का यही सार संदेश है। आइए उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर देश की दो जटिल समस्याओं का विवेचन करें, उनके समाधान का चिंतन करें। हमारे देश की मूल समस्या है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य, यह दूर हो सकता है अगर वोट बैंक की राजनीति ना हो तो, क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण भी मानसिकता ही है। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य के पीछे का कारण है मानसिकता। मानसिकता कौन सी? आज भी मुस्लिम दृष्टिकोण है कि अंग्रेजी राज्य से पहले लगभग 800 वर्षों का तुर्की मुगल अथवा अफगानी राज्य उनका अपना ही स्वर्णयुग था, जबकि हिंदू इन्हीं 800 वर्षों को अपना सबसे अधिक त्रासदी पूर्ण कालखंड मानते हैं। यही वह काल था जब हिंदुओं पर जजिया लगाया गया था विधर्मी होने के कारण, हिंदू धर्मी होने के कारण। उनके तीर्थ स्थानों पर जाने का भी कर लगाया गया था, उनकी व्यापक व्यापारी सामग्री पर दुगुनी तिगुनी चुंगी लगाई जाती थी, उत्पादन कर लगाया जाता था। इसके अलावा हिंदुओं को अपमानित करने के और भी कई प्रावधान थे। बंधुओं, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का मूल कारण कोई धर्म और पंथ नहीं है। उक्त ऐतिहासिक तथ्य ही और उसके कारण उपजी मानसिकता ही हिंदू मुस्लिम विवाद की जड़ है। अलगाववादी अवधारणा के चलते ही विभाजन से पूर्व सभी मुसलमानों ने
पाकिस्तान की मांग उठाई थी। आज जो देश में रह रहे हैं उनके पूर्वजनों में ही, और जो पाकिस्तान चले गए उनके पूर्वजनों में। यदि धर्मपंथ ही विवाद की जड़ होते तो सबसे पहले हिंदू ईसाइयों का झगड़ा हुआ होता, हिंदू पारसियों का झगड़ा हुआ होता, हिंदू यहूदियों का झगड़ा हुआ होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। केवल हिंदू मुस्लिम के बीच ही वैमनस्य इस उक्त मानसिकता के कारण ही है। इस मानसिकता को आजादी के बाद भी लगातार बढ़ावा ही मिला। अब देखिए 1988 में 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन करते हुए राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था। ये मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार के प्रचार विभाग की पुस्तक है रेस्टोर इंडिया। उसमें यह वर्णन है पेज नंबर 1 24 88 पर। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम इस देश को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां वह 250-300 वर्ष पूर्व था, और उसी के कारण पूर्व के लोग अंग्रेज फ्रांसीसी पुर्तगाल आदि भारत को ढूंढने निकले। ये इतिहास का मजाक बनाना है बंधुओं, क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि 250-300 वर्ष पूर्व भारत में मुगल वंश के क्रूर शासक औरंगजेब का शासनकाल था, और विदेशी जो ढूंढने निकले थे वे उस समय निकले थे जब दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। सबसे पहले उस जमाने में आए थे, दक्षिण के समुद्र तट पर ही आए थे। तो इतिहास का मखौल हमारे नेता इस प्रकार उड़ाते हैं, क्यों? केवल इसलिए कि वे उस मानसिकता को बल देना चाहते हैं वोट बैंक की खातिर, अलगाववाद को बनाए रखना चाहते हैं वोट बैंक की खातिर। वस्तुतः कांग्रेस व अन्य सेक्युलर दलों की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल तुष्टीकरण भर है। आजादी के पूर्व महात्मा गांधी ने ही, देवयोग देखिए, गांधी जी ने ही इसकी आधारशिला रख दी थी, क्योंकि उनका सोचना था कि हिंदुओं का संख्या बल और मुसलमानों की इस्लामी तलवार मिलकर अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने सन 1922 में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। तुर्की में खलीफा बोला, भारत का उससे क्या लेना देना, लेकिन चला खिलाफत आंदोलन। और जैसा होना ही था, गांधी जी का यह कदम, यह प्रयोग उल्टा पड़ गया, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुसलमानों ने अंग्रेजों से तो हाथ मिला लिया और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। हिंदुओं की हत्या कितने बड़े पैमाने पर हुई खिलाफत आंदोलन के दौरान, यह अगर इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस त्रासदी का मर्मांतक वर्णन स्वातंत्र वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक मोपला में किया हुआ है। अगर सच पूछा जाए तो खिलाफत आंदोलन ही भारत विभाजन की राह में बढ़ाया गया पहला कदम थी। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुस्लिम मानसिकता में परिवर्तन लाने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। केवल उनका पक्ष समर्थन कर उनकी मानसिकता यथावत रखने का प्रयत्न हुआ, उन्हें यह बताने का कोई प्रयत्न ही नहीं हुआ कि उनके और बहुसंख्यक हिंदू समाज के पूर्वज एक ही थे, जिन्हें हिंदू समाज क्रूर धर्मांध आक्रमणकारी मानता है, उन्होंने ही बलात तलवार के जोर पर मुसलमानों के पूर्वजों का भी धर्म परिवर्तन कराया था। अतः उन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए उनके मन में भी वही भाव होना चाहिए जो आम हिंदू समाज के हैं। एक बार ये भाव जागृत हो जाए तो कहां का वैमनस्य रहेगा, सब एक हो जाएंगे। हमारे इतिहासकारों ने उन तथ्यों को चर्चित ही नहीं होने दिया जो इस भ्रांति को दूर कर सकते थे। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया कि भारत में पहला इस्लामी राज्य सन 712 में अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासम ने स्थापित किया था, और सिंध के जिस हिंदू राजा दाहिर को परास्त किया था उसने पहले अनेकों बार अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर खदेड़ दिया था। आखिरी बार के युद्ध में दाहिर पराजित तो हुए, लेकिन उनके वीरता, रणकौशल या हथियारों में कोई कमी नहीं थी।
उनके ही कुछ विश्वस्त लोगों ने विश्वासघात किया था, उसके कारण दाहिर पराजित हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने साम्राज्य तो स्थापित कर लिया, लेकिन 50 वर्ष के अंदर ही भारत के अन्य हिंदू राजाओं ने, चालुक्य, प्रतिहार और करकोटा ने इस अरब राज्य को उखाड़ फेंका। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, ये महत्वपूर्ण घटना है बंधु, जिसे आज के मुस्लिम पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसमें वह मूल भाव सन्निहित है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद एक उसके ही सेनापति खुसरो खान ने खिलजी के पुत्र की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कौन था ये खुसरो खान? गुजरात आक्रमण के दौरान खिलजी उसे अपना गुलाम बनाकर ले आया था, एक छोटे बच्चे को, 13-14 साल का बच्चा था, और उसको धर्म परिवर्तन कर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। किंतु उसके मन में आग जलती रही, उसे याद रहा कि मैं हिंदू था, और उसने इसीलिए फिर से हिंदू राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। 6 महीने तक उसने बिना पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित हुए एक हिंदू राजा के समान ही राज्य किया, किंतु उसे ना तो शेष भारत के किसी हिंदू राजघराने से सहयोग मिला, ना समर्थन मिला, और ना ही धर्माचार्यों ने उसे मान्यता दी। इस बीच मुस्लिम उलेमाओं के निर्देशन में सभी मुसलमान नवाब और तालुकेदार संगठित हो गए और उन्होंने एक साथ खुसरो पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। खुसरो के मन में अपने पुराने हिंदू होने का गौरव जागृत रहा था, मुसलमान बना दिया गया था, समाज ने उसको मान्यता नहीं दी, हिंदू समाज ने, इसके बाद भी उसने अपने मन में हिंदुत्व की लौ जागृत रखी। आज के मुस्लिम बंधुओं में हिंदुत्व का भाव आए ना आए, उनकी पूजन पद्धति कुछ भी बनी रहे, वे मुस्लिम बने रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन शत्रु मित्र भाव सब समान होना चाहिए। हिंदुओं को वे अपना तो माने, हमारा रक्त एक है, हमारे पूर्वज एक थे, यह भाव तो पैदा हो। एक बार यह भाव पैदा हो गया तो फिर वैमनस्य रहेगा क्या? बंधुओं, अब मैं दूसरी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे देश की दूसरी अहम समस्या है आधुनिकता के नाम पर बढ़ती हुई विलासिता। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र की सेनाओं ने दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष किया, जर्मनी सैन्य बल का मुकाबला किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी का एक बड़ा भूभाग भी अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन विजय के बाद फ्रांसीसी लोग खाने पीने मस्ती में डूब गए, इंद्रिय लोलुपता के शिकार हो गए, सुख उपभोग में डूब गए, मद्यपान और नाच गाने में लिप्त हो गए, जिसके कारण विशाल सैनिक बल होते हुए भी और भीषण मीजोन रेखा होते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन आक्रमण के 15 दिवस के अंदर फ्रांस का पतन हो गया। युद्ध के पश्चात वृद्ध फ्रांसीसी जनरल मार्शल पेता ने कहा, फ्रांस की पराजय युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि पेरिस के नृत्य ग्रहों में हुई है। आज अगर विचार करें तो हमारे देश की परिस्थिति भी कहां भिन्न है। हमारे दैनंदिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकता का अर्थ हो गया है स्वच्छंदता, इंद्रिय लोलुपता। यौन हमारे आधुनिक साहित्य का सर्वव्यापी विषय हो गया है। राष्ट्रीय जीवन का यह आंतरिक चित्र खतरे का संकेत है, जिसके प्रति कोई दुर्लक्ष नहीं किया जाना चाहिए। उक्त दोनों ही जटिल और बड़ी समस्याओं का समाधान किए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है, सनातन अध्यात्म का व्यावहारिक ज्ञान। उसके लिए आवश्यक है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत निर्दोष शिक्षा नीति। देश के नौनिहालों को सही इतिहास पढ़ाया जाए, सबको, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, अन्य धर्मावलंबियों को भी, सबको समान नैतिक संस्कार दिए जाएं। ये नहीं चलेगा, हिंदुओं को तो अहिंसा की शिक्षा दी जाए और मुसलमानों को हिंसा की।
नैतिक संस्कार एक से होना चाहिए, शांति का, सद्भाव का, दया का, करुणा का, सह अस्तित्व का, पारस्परिक मैत्री का। मित्रों, यही समय की मांग है और यही हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी है। आपका क्या सोचना है? नमस्कार।